हेलो बच्चों, वेलकम बैक चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? बिहार में जो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आई है, आप लोग के फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। जिन बच्चों ने फिल कर लिया, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया है, फॉर्म फिल कर लीजिए जल्द से जल्द। अपने इसकी क्लासेस आप लोग की चल रही थी, दोबारा से रिस्टार्ट की जा रही है। इसमें जो भी टॉपिक रिमेन है, रह गए हैं, उनको कम्प्लीट करा दिया जाएगा। और साथ ही इसके प्रैक्टिस सेट भी आप लोग के रेगुलर आते रहेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर, इसकी एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। आपके जितने भी टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं, कॉमर्स से अकाउंट से रिलेटेड, वो सारे टॉपिक्स आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के वीडियो का टॉपिक हमारा रहेगा जीएसटी। जीएसटी क्या होता है, कब से लागू हुआ, इसकी फुल फॉर्म क्या है, या इसमें किस तरह से टैक्स लगाया जाता है, इससे रिलेटेड आज के क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? गुड्स एंड सप्लाई टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, गवर्नमेंट सेल्स टैक्स। तो ये जानने से पहले, जीएसटी के सबसे पहले हमें इम्पोर्टेंट ये जानना कि जीएसटी किन शब्दों से, किन वर्ड से मिलकर बना है। जीएसटी की फुल फॉर्म हो जाती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जो वस्तुएं होती हैं, जो हम प्रोडक्ट हैं मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, और साथ ही जो सेवाएं दी जाती हैं, जो सर्विसेज दी जाती हैं, उन पर ये टैक्स लगाया जाता है। इसीलिए इसका नाम हो जाता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि जीएसटी। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ? जीएसटी वॉज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम 1 जनवरी 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 मार्च 2017, 1 जुलाई 2017। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जीएसटी कब से लागू हुआ था। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि 2017 में लागू हुआ था, लेकिन किस मंथ से हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 होगा। 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू हुआ था। ये बन के तैयार जो था, तो 1 अप्रैल 2010 में घोषणा की गई थी कि जीएसटी को लाया जाएगा, लेकिन बाद में 2014 में सरकार ने एक संविधान विधेयक, 2014 में एक लोकसभा में विधेयक रखा गया था, जिसमें ये चीज़ हुई थी कि जो संविधान है उसमें संशोधन किया जाए, और 2016 में जीएसटी लागू करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ था, जिसमें कि जो केंद्र है और राज्य सरकारें हैं, उनको ये अधिकार मिला था कि वो भी अपने यहाँ जीएसटी को लागू करने की शक्तियाँ उनको दी गई थी, जिससे कि जितने भी जो अप्रत्यक्ष कर लगाए जा रहे हैं, जिसमें आपस में रहता था कि राज्यों में अलग दरें हो रही हैं और केंद्र में अलग हो रही हैं, तो आपस में एकीकृत नहीं थे, एक इंटीग्रिटी नहीं थी उसको लाने के लिए, और एक अनियंत्रित रूप से एक ऑर्गेनाइज, उसमें जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होते हैं, उसको कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी का दोहरे मॉडल किस देश के जीएसटी पे आधारित है? इन इंडिया द जीएसटी इज बेस्ड ऑन द ड्यूअल मॉडल जीएसटी अडॉप्टेड इन यूके, कनाडा, यूएसए, जापान। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भारत में, क्योंकि जो जीएसटी का मॉडल है कौन सा है, मॉडल पे ड्यूअल मॉडल पे चलती है, दोहरा मॉडल है, तो ये किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी वस्तु एंड सेवा पर डैश आधारित उपभोक्ता कर है। जीएसटी इज ए कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, डिविडेंड, डेस्टिनी, डेस्टिनेशन। डेस्टिनी, डेस्टिनेशन। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो जीएसटी है वो वस्तु एंड सेवा पर लगाया जाता है, लेकिन ये किस पे आधारित उपभोक्ता कर है? क्योंकि ये कंजप्शन ए टैक्स है, तो किस पे लगाया जाता है? ये डेस्टिनेशन यानी कि गंतव्य पे लगाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये पूछा जाता है कि जीएसटी जो है वो गंतव्य आधारित, डेस्टिनी बेस्ड उपभोग कर कैसे है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि ये जो पूर्ति की जाती है, जिस स्थान पर पूर्ति की जाएगी, जो वस्तुएं हैं, जो भी प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, उनकी जहाँ पर सप्लाई की जाती है, वह उस एरिया में जो भी क्षेत्रीय कराधान प्राधिकारी होता है, जो टैक्स ऑफिसर होता है, वहाँ पर उपार्जित होता है ये जीएसटी। इसलिए इसको कहा जाता है कि ये गंतव्य आधारित उपभोग कर है। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? व्हाट काइंड ऑफ टैक्स इज जीएसटी? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नन। क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि जो जीएसटी होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, वो किस प्रकार का टैक्स होता है? प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है? जैसे कि आपको पता है, इंडिया में दो तरह के कर लगते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स होता है, यानी कि जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, वही व्यक्ति ही उस कर को चुकाता भी है, वही पे भी करता है।
लेकिन जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, वो लगाया किसी और व्यक्ति पर जाता है, लेकिन वस्तु के मूल्य में, सेवा में जुड़े होने की वजह से उसको चुकाता कोई और है, उसका करभार किसी और वस्तु को पड़ता है। जैसे कि आप प्रोडक्ट को भी मार्केट से खरीदी है तो उसमें देखिए MRP के आगे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, उसमें क्या होता है GST भी ऐड होता है। या जैसे आप कुछ भी फूड ऑर्डर करिए तो उसमें भी आप देखेंगे जो बिल होता है नीचे GST इंक्लूड होता है, तो क्या रहता है ये प्राइस में ऐड होता है, जिस वजह से लगाया जाता है जो उत्पादक होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, लेकिन उसको चुकाता कौन है, कंज्यूमर चुकाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि किस तरह का कर है GST, वो हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु GST बिल के अंतर्गत शामिल नहीं होगी। Which of the following goods will not be covered under the GST bill? Cooking gas, liquor, petrol, all of that. क्वेश्चन में कह रहा है जो GST होता है इसमें से किस पर नहीं लगाया जाता। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर जो GST के अंतर्गत नहीं आती हैं। इसमें आपकी कुकिंग गैस, लिक्वर और पेट्रोल तीनों ही आता है, तीनों पर ही GST नहीं लगता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ऑल ऑफ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST डैश पर लगाया जाएगा। GST विल बी ल्यूड ऑन डैश मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स, कंज्यूमर्स, ऑल ऑफ दैट। जैसे कि अभी मैंने पहले ही बताया कि इनडायरेक्ट टैक्स है क्योंकि प्राइस में इंक्लूड रहता है, सर्विसेज में इंक्लूड रहता है, उसकी जो वैल्यू होती है उसमें। इस वजह से क्या होता है कि होता तो मैन्युफैक्चरर पर है, जो मेन वस्तुओं को उत्पादित किया जा रहा है लगाया तब उस पर जाता है, लेकिन जो कि ऐड होने के कारण प्राइस में उसको सभी चुकाते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि किस पर लगता है, तो इन तीनों पर ही लगेगा, निर्माता, रिटेलर और उपभोक्ता। एक आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं सेवाओं पर लागू GST दरें हैं। GST रेट्स अप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज आर, यहाँ पर आपकी दे रखी हैं कुछ रेट्स, आपको ये बताना है क्योंकि इसमें जो GST है उसकी आज के टाइम में जो चल रहा है वो कितनी रेट्स हैं, वो हो जाएंगे 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी अंतर्राज्यीय क्रय पर कौन से कर लगाए जाते हैं। टैक्सेस दैट आर लेवीड ऑन एनी इंट्रा स्टेट परचेज आर IGST, CGST एंड SGST, CGST, SGST। अंतर्राज्यीय क्रय मतलब कहने का ये है कि जो एक राज्य दूसरे राज्य से जब परचेज कर रहा होता है, दो राज्य आपस में एक दूसरे से परचेज कर रहे होते हैं, क्रय कर रहे होते हैं, तो वहां पर जो टैक्स लगता है वो कौन सा होगा, वो हो जाता है ऑप्शन 3, CGST एंड SGST। सेंट्रल टैक्स भी लगता है और स्टेट GST भी लगता है, तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IGST में I का क्या अर्थ है। व्हाट डज I इन IGST स्टैंड फॉर, यहाँ पर आपको IGST की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए तब आपको पता होगा कि I मीन्स क्या रहता है। तो I का मतलब हो जाता है इंटीग्रेटेड, फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। जो CGST होता है वो केंद्र सरकार द्वारा ग्रहण किया जाता है, और जो SGST होता है वो राज्य सरकार द्वारा, लेकिन जो IGST होता है वो मिश्रित होता है, मिक्स रहता है, लेकिन उसको जो संग्रह किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है। ये डिफरेंस होता है तीनों में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर GST में शामिल है। विच वन ऑफ द बिलो टैक्सेस इज इंक्लूडेड इन GST, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, VAT, ऑल ऑफ दैट। क्वेश्चन में कह रहा है इसमें से कौन सा टैक्स ऐसा है जो GST में शामिल किया जाता है। तो आपको पता ही है जो अप्रत्यक्ष कर थे, जो इनडायरेक्ट टैक्स थे, उन्हीं को हटा करके GST लाया गया था, जिससे कि एक एकीकृत रूप दिया जा सके। जो भी आपके अप्रत्यक्ष करों की व्यवस्था है उसके, तो जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनका तो सीधा से रहता है कि जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही उसको टैक्स को चुकाता भी है, उसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता किसी दूसरे व्यक्ति पर। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वहां पर काफी मतभेद रहता है, विवाद रहता है, इसीलिए GST लागू किया गया था, जिससे कि जो एक दोहरा कर रोपण हो जाता है उससे बचा जा सके। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन में कह रहा है, मैं कौन सा कर GST में शामिल है। तो यहाँ पर सेंट्रल सेल्स टैक्स भी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी और VAT तीनों को शामिल किया जाता है। एक आंसर होगा ऑप्शन 3, ऑल ऑफ दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST डैश को छोड़कर सभी सेवाओं और वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया जाता है। GST इज इम्पोज्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल सर्विसेज एंड गुड्स एक्सेप्ट। आपको ये बताना है कि जितने भी वस्तुएं हैं
प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, उन सबके प्रोडक्शन पर जीएसटी इम्पोज होता है। इसमें से कौन सा ऐसा है जिसको जीएसटी नहीं लगेगा? सुपर इंटेंडेड फॉर ह्यूमनाइजेशन टोबैको हेल्थ केयर सर्विसेज ऑल ऑफ दैट, इसमें से किस पे जीएसटी नहीं लगता है? तो वो हो जाएगा जो आपका लिपर इंटेंडेंट फॉर ह्यूमनाइजेशन है उस पर नहीं लगता, बाकी टोबैको हेल्थ केयर सर्विसेज दोनों पर ही लगता है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद एवं सेवा नेटवर्किंग जीएसटीएन निम्नलिखित गतिविधियां आती हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपका जीएसटीएन है उत्पाद एवं सेवा नेटवर्किंग, उसमें कौन सी गतिविधियां शामिल की जाती हैं? द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज नेटवर्किंग जीएसटीएन परफॉर्म्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज, फैसिलेटिंग रजिस्ट्रेशन, रिटर्निंग द पैकेज टू द फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जीएसटी कैलकुलेशन एंड सेटलमेंट, ऑल ऑफ दैट। तो जो नेटवर्किंग होती है वो तीनों ही गतिविधियां करती है, तीनों ही एक्टिविटीज आती हैं, रजिस्ट्रेशन की भी फैसिलिटी देती है, जीएसटी को कैलकुलेट करना, सेटलमेंट करने का भी कार्य करती है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी का अर्थ वस्तु एवं सेवा कर है और यह एक कर प्रणाली है जो व्यापक क्षेत्र को कवर करती है। तो आपको बताना है कि किस क्षेत्र को कवर करती है, तो कौन सी चीजें इसमें शामिल की जाएंगी? जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड इट इज अ टैक्स सिस्टम दैट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ टैक्स, गुड्स सर्विसेज, गुड्स कंपनीज एंड इम्पोर्ट्स, प्रोडक्ट सिस्टम एंड एक्सपोर्ट। ये किसको शामिल करती है? तो आपको पता ही है ये गुड्स को, कंपनीज को एंड इम्पोर्ट्स को, माल्स कंपनियां और आयात, इन तीनों चीजों को शामिल करती है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर राज्य आपूर्ति पर कौन से कर लगते हैं? व्हाट ड्यूटीज आर टैक्सेस और इंट्रास्टेट सप्लाईज, यानी कि जब अंतर्राज्यीय आपूर्ति, अंतर्राज्यीय दो राज्य आपस में सप्लाई कर रहे होते हैं तो वहां पर कौन से टैक्स लगाए जाएंगे? सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, आईजीएसटी। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करिएगा कौन से टैक्स लगते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।